नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रीन कुजिन में। आज हम बनाएंगे नारली भात। महाराष्ट्र में जो श्रावण की पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा को कहा जाता है नारली पूर्णिमा, जो कि रक्षाबंधन का भी त्यौहार होता है। तो इस दिन हर घर में नारली भात बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल रेसिपी होती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आइए आज की हमारी रेसिपी देखेंगे नारली भात। नारियल भात के लिए हमने लिया है 1 कप चावल। ये बासमती चावल लिया है मैंने। इसे अच्छे से धो के 15 से 20 मिनट रख देना है। बासमती चावल के बदले आप कोई भी बारीक वाला चावल ले सकते हो। गुड़ लिया है 1 कप, आधा कप लिया है नारियल कसा हुआ, थोड़े से लिए है किशमिश, थोड़े से लिए है कैशू नट्स, ये दूध लिया है, इसमें केसर भिगो के रखा है, इलायची और 4 लौंग ली है, घी लिया है 2 से 3 टेबलस्पून, और ये है नारियल का दूध। नारियल का दूध लिया है 2 कप। एक पैन में हम घी लेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून तक घी लेना है। और इसमें ये कैशू नट्स थोड़े से फ्राई करके लेंगे, और ये किशमिश। इन्हें हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। और अब इनको निकाल लेंगे। ये काजू और किशमिश हम निकाल के रखेंगे। इसके बाद इसी घी में हम डालेंगे ये चावल। चावलों को 1 से 1.5 मिनट तक भून लेना है। भूनने से ये बहुत हल्के हो जाएंगे। इसी में हम ये लौंग डालेंगे, जो मैंने 4 लौंग लिए हैं, इन्हें ऐड करेंगे। ट्रेडिशनली इसमें लौंग डाली जाती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये दूध। इसे अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के बिल्कुल धीमी आंच पर रखना है। आंच को बिल्कुल भी हाई पर या मीडियम पर नहीं रखना है, लो पर ही रखना है। चावल पक रहे हैं, तब तक हम क्या करेंगे, ये कसा हुआ नारियल और गुड़, इन दोनों को हम मिक्स करके लेंगे। इलायची को हम कूट के लेंगे। 4 से 5 इलायची आपको लेनी है अपनी मर्जी से, और इसे अच्छे से कूट लेना है। चावल हमारे थोड़े से पक चुके हैं, करीब करीब 80% हो चुके हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये चिपचिपे हो जाएंगे। इनके 80% पकते ही इसमें ऐड करना है ये गुड़ और नारियल। चावल अगर बहुत ज़्यादा पक जाएंगे तो इसे मिक्स करते समय वो टूट जाएंगे, तो इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। इसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर, फिर डालेंगे ये केसर का दूध। आप चाहो तो इसमें ऑरेंज कलर डाल सकते हो।
गुड़ डालने के बाद हम इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे। केसर का बहुत अच्छा कलर इसमें आने लगा है। अब हम इसे ढक के रखेंगे जब तक ये गुड़ मेल्ट हो जाए। जब तक ये राइस पक के तैयार हो रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ये राइस हमारा तैयार है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। इसे मैंने बीच में दो तीन बार हिला के देखा था, लेकिन इसमें घी की मात्रा अच्छी होने के कारण ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी शुगर और ऐड कर सकते हो, अगर आपको कम मीठा लग रहा है तो। और अगर चावल आपको लगता है कि नहीं और ये पकने चाहिए, थोड़े कच्चे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लेके ऐसे छिड़क लीजिए। तो अब ये हमारा राइस तैयार है। हम इसके ऊपर डालेंगे ये ड्राई फ्रूट्स और इसे सर्व करेंगे। ये नारली भात हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, बिल्कुल नेचुरल कलर है। आप चाहो तो इसमें कलर ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी।